श्री कृष्ण पर बेस्ड वैसे तो टेलीविज़न इंडस्ट्री में कई शोज आए हैं, लेकिन अब इस पर बेस्ड एक और नया शो आ रहा है जो कि सोनी टीवी पर आएगा और जिसका कि नाम बाल कृष्ण होगा। शो में कंस के रोल के लिए पहले एक एक्टर को फाइनलाइज कर लिया गया था जो थे कपिल निर्मल, लेकिन अब कपिल निर्मल ने शो को छोड़ने का फैसला किया है और शो में अब कंस की भूमिका निभाने के लिए कपिल निर्मल की जगह एक और नए एक्टर को ले लिया गया है। अब शो में एक्टर राम यशवर्धन कंस की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। राम यशवर्धन को ज़्यादातर पौराणिक शोज से ही पहचान मिली है। राम यशवर्धन इससे पहले एक तिरानी एक तरावन, जगजननी माँ वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की और कहत हनुमान जय श्री राम जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक्टर राम यशवर्धन अब एक साथ तीन शोज करने वाले हैं। राम यशवर्धन इन दिनों इशारा टीवी के शो पापनाशिनी गंगा में शिव जी की भूमिका निभाते नजर आते हैं, तो वहीं ये एंड टीवी के नए शो बाल शिव महादेव की अनदेखी गाथा में रावण की भूमिका में नजर आएंगे। और अब इन्होंने बाल कृष्ण की कास्ट को भी ज्वाइन किया है जिसमें कि वह कंस की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। राम यशवर्धन को ज़्यादातर महादेव की भूमिका के लिए जाना जाता है, तो वहीं अब ये कंस की भूमिका में कैसा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कपिल निर्मल को हाल ही में बाल शिव शो में महादेव की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस शो को भी छोड़ दिया था। सोनी टीवी और कॉन्टिलो इंटरटेनमेंट के नए शो बाल कृष्ण की इन दिनों कास्टिंग प्रोसेस चल रही है। शो में राहुल शर्मा नंद की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं शिव जी की भूमिका एक्टर दिनेश मेहता निभाते दिखाई देंगे। माता देवकी की भूमिका शो में एक्ट्रेस सुमन गुप्ता निभाने वाली हैं, तो वहीं यशोदा के रोल के लिए एक्ट्रेस नेहा सरगम और काजोल श्रीवास्तव को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनके अलावा अनुपम भट्टाचार्य और रोमित राज जैसे सितारे भी शो में दिखाई देंगे। ऑडियंस भी बाल कृष्ण सीरियल का इंतजार कर रही है, शो जल्द ही आ सकता है। आप इस शो में कंस के रोल में किस एक्टर को देखना चाहते थे हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।